नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मैं विकास, आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की और जानेंगे आज का दिन क्यों है इतिहास में खास। प्रश्न एक, वैज्ञानिकों ने किस टेलीस्कोप की सहायता से सुपर अर्थ K2 18b नामक ग्रह पर जल वाष्प की खोज की है? ऑप्शन ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी हबल स्पेस। सही उत्तर है ए हबल स्पेस टेलीस्कोप। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार के एक ग्रह K2-18b के वायुमंडल में जलवाष्प की खोज की है। इसके लिए नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है। K2-18b का द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना अधिक है। इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है जो पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह को नासा के केपलर टेलीस्कोप ने 2015 में खोजा था। प्रश्न दो, भारत के किस राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायेद अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अनीता सूरी, ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी नवदीप सी पुरी, ऑप्शन डी पीके वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सी नवदीप सिंह पुरी। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के एम्बेसडर नवदीप सिंह पुरी को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायेद अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। प्रश्न तीन, प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीके सिन्हा, ऑप्शन बी अमरकांत चौधरी, ऑप्शन सी विकास वर्मन, ऑप्शन डी राज कोठारी। और सही उत्तर है ऑप्शन ए पीके सिन्हा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के लिए मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2019 से शुरू हो गया है। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में कार्यरत हैं। पीके सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने जौनपुर और आगरा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी के कमिश्नर सचिव नियोजन तथा प्रधान सचिव सिंचाई आदि के लिए कार्य किया है। प्रश्न चार, हाल ही में राजशेखर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता निर्देशक थे? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिल। राजशेखर एक तमिल अभिनेता सिनेमेटोग्राफर तथा निर्देशक थे। उनका निधन चेन्नई में 61 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने कई TV धारावाहिकों में कार्य किया, इसमें सरवनन मीनाक्षी प्रमुख है। प्रश्न पाँच, भारत के दूसरे नदी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। भारत के दूसरे नदी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से गंगा नदी पर साहिबगंज में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन ऑनलाइन किया। इसका निर्माण 290 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष में पूरा हुआ है। प्रश्न 6, सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम राठौर, ऑप्शन बी विक्रम संपत, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी नवीन सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रम संपत। सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट 1883 टू 1924 पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को इतिहासकार विक्रम संपत ने लिखा है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन पर आधारित है। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1887 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। विनायक दामोदर सावरकर ने
जोसेफ मैजिनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हूँ इस हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी। हालांकि वे हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे, परंतु वे 1937 से 1947 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वीर सावरकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में एक निर्मित किए जाने का समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास किया। उनके सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। प्रश्न 7, भारत के पहले डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए नीति आयोग ने किस कंपनी का चयन किया है? ऑप्शन ए मैकिन्से, ऑप्शन बी मैकनन, ऑप्शन सी मैकिन्से व कंपनी, ऑप्शन डी गोदरेज। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैकिन्से एंड कंपनी। नीति आयोग ने भारत के पहले डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए मैकिन्से एंड कंपनी का चयन किया है। इस केंद्र में उभरती हुई तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। मैकिन्से आचेन शिकागो, सिंगापुर, वेनिस तथा बीजिंग में 5 डिजिटल कैपेबिलिटी केंद्रों के साथ कार्य करती है। प्रश्न 8, किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी पटना। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुंबई। केंद्रीय राज्य कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। भारतीय कौशल संस्थान की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। मोदी सिंगापुर में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्र की यात्रा से बेहद प्रभावित हुए थे। इससे प्रेरणा लेकर ही भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 शहरों मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इन तीनों संस्थान का निर्माण व संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट पर आधारित किया जाएगा। मुंबई के NSTI कैंपस में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के लिए टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट को प्राइवेट पार्टनर चुना गया है। टाटा ग्रुप 4.5 एकड़ के कैंपस के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। प्रश्न 9, रोनाल्डो लाइटोजम किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए कार रेसिंग, ऑप्शन बी बाइक रेसिंग, ऑप्शन सी साइकिलिंग, ऑप्शन डी बोट रेसिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी साइकिलिंग। भारत के रोनाल्डो लाइटोजम ने 2019 ट्रैक एशिया कप प्रतिस्पर्धा में 4th स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीते। भारत ने 10 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। प्रश्न 10, ट्रैफिक अपडेट्स के लिए गुरुग्राम पुलिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोमैक्स, ऑप्शन डी गूगल। सही उत्तर है ऑप्शन डी गूगल। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने टेक कंपनी गूगल के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस सड़क बंद होने, डायवर्जन, ट्रैफिक सूचना इत्यादि के बारे में गूगल मैप्स के साथ सूचना को साझा करेगा। इस जानकारी को बाद में गूगल मैप्स में अपडेट किया जाएगा। इससे वाहन चालकों
अभी हमने जाना करंट अफेयर और आज का दिन इतिहास में क्यों है खास, और आगे के अपडेट के लिए बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ।